जहाज़ भाई वो कंट्रोल शेड है जो फिश का है, जो ये टैंक बनाए हुए हमने। ये तकरीबन एक टैंक में ना 3500 मछली है, इसमें तलापिया डली हुई है। टैंक नंबर एक से लेके ना टैंक नंबर 7 तक तलापिया डली हुई है। और ये टैंक नंबर जो है 8, 9, 10 इसमें पंगेशियस डली हुई है। एक टैंक में ना 3500 मछली की क्वांटिटी डली हुई है बोझी, और एक मछली ने जो वज़न करना है ना 800-900 ग्राम, 1 किलो तक करना है, फिर हमने उन्हें सेल करना है। और ये सारी कैलकुलेट करें तो 35,000 केजी तक इनका वेट चला जाएगा ये सारा ना। ये 10 टैंक हमने लगाए हुए कंट्रोल शेड है। ये जो कंट्रोल शेड है इसकी है इस तरह लंबाई जो है 120 फुट है, और इस तरह जो इसकी चौड़ाई है वो है 50 फुट, और इसमें हमने 50 शेड लगाए हैं। तकरीबन कोई 1.25 करोड़ के पास इसका एक्सपेंस हमारा आ गया, सारा कंस्ट्रक्शन का, टैंक का, फिश डालने का। और हमें ये इंशाल्लाह पहले ही सीज़न में कोई 70-75 लाख रुपया ना रिकवर हो जाना है। और जो इस पर जो एक्सपेंस आया हुआ है सारा कंस्ट्रक्शन का, ये सारा 2 सीज़न में ना, 6 माह का एक सीज़न है और साल में 2 सीज़न लगते हैं, तो 2 सीज़न में कंप्लीट हो जाना है। ये कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये हमारा पहला ही फ्लॉक है, पहला एक्सपेरिमेंट है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। यार इसके ऊपर धुआं लीक होता है यार। नहीं करों का कहा है, इतवार को मैं लेता आऊंगा। ये जिसे फीड खिला रहे हैं सर्दियों में फिश को, माशाल्लाह ये 200 ग्राम प्लस का वेट है। ये ज़रा ना बायो फ्लॉक निकाल के ना फ्रेश वाटर डाला है। ये जी पंगेशियस है, ये पंगेशियस है भाई। ये फार्म पे मैं आ गया हूँ। ये अपने ना ऑस्ट्रिच हैं, ये जो ऑस्ट्रिच है ना ये हमारे गोश्त के लिए नहीं है, ये हैं ब्रीड के लिए। अंडे, हाँ अंडे लेते हैं हम, अंडों से ना बच्चे निकाल के हम सेल करते हैं। तकरीबन एक बच्चा ना 30,000 का, कम से कम 30,000 का सेल हो जाता है हमारा एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 1 से 2 हफ्ते का बच्चा। ये 50 पेयर हैं जिसमें से 2 हमने कर लिए हैं। एक बेचारा तो बीमारी के साथ मर गया, उसने तो मौका ही नहीं दिया ना छुरी फेरने का। और दूसरा जो आपको मैंने दिखाया वो बीमार टिल्ला मट्ठा आया है ऐसी, तो मैं कहनू तो भैन चो छुरी फेरो, इस तो पहले क्या है जाता पे मूँह च भी ना पवे किसी दे। तो जब ये बीमार हो जाए ना तो फिर हम कोई खाने का प्लान बनाते हैं, वरना ये हमें अच्छा खासा बिजनेस देते हैं। तकरीबन ये ना पूरे महीने का ना 50 जो ये हैं ऑस्ट्रिच, इन्होंने पूरे साल में ना हमें 11 सोंडे दिए पिछले साल के। और एक ये भी है इमो, ये बेचारा एक ही फेर रहा होता है यहाँ पे, बड़ा प्यार करता है पास आके, ये ना लूटियाँ करता है। तो ना जब इंशाल्लाह हम तो दुआ करते हैं कि आप जब आएँ तो एक आधे की तबीयत ख़राब हुई हो, ठंडा मट्ठा हुआ हो, तो फिर ना इंशाल्लाह आपको भी करके खिलाएंगे। तो वो अचानक ही प्लान बन गया था, मैंने कहा यार फिर ना दोस्तों को कॉल की जिस दिन मुझे तबीयत उसकी ख़राब लगी, मैं क्या भाई प्लान बना लो फिर कल का, आज रात को से छुरी फेर के
ज़िबा किया है। और फिर ना अगले दिन ही ना बाग में मैंने कहा यार रखने रखाने के मामला ना उसने कोई मज़ा नहीं आता गोश्त का, फिर तो ना जल्दी से खा के उसे फारिग किया। अभी यहाँ पे जो थोड़ा बहुत रखा था गोश्त वो मुलाजम है कोई 8-10 यहाँ पे जो इनकी देखभाल करते हैं। ये अंदर ना ये फ़िश का सेटअप लगाया हुआ है कंट्रोल शेड, ये इसके अंदर ना सारा फ़िश के मामला हैं। तो इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो आपकी भी इंशाल्लाह खिदमत करेंगे भाई, कोई ना कोई सीन निकालेंगे, कोई हो जाएगा कोई बेहतर ना। ये सारे अंडे ब्रीडिंग वाले ये तब भी होते हैं बेचारे जब थोड़ी सी तबीयत वगैरह इनकी ख़राब हो रही हो या थोड़े से ठंडे मट्ठे लगें, क्योंकि मेडिसिन इतना ट्रीटमेंट वगैरह होता नहीं है यहाँ पे, डॉक्टर्स वगैरह जो हैं ना वो इतनी जल्दी कोई हाथ पला नहीं पकड़ाते इनका, फिर मजबूरी ये होती है कि यार ज़ाया होने से अच्छा है कि खा लिया जाए। वैसे ही इनकी एक की प्राइस ना यहाँ जो अंडे देने वाला है ना ये तकरीबन कोई 3-3.5 लाख रुपए का है। तो इन्हें फिर करना भी ना ऐवें ही बंदा कर दे वो हौसला नहीं पड़ता, तो जब कोई थोड़ा बहुत बीमार हो जाए तो फिर ये मामला इसके किए जाते हैं। आपको मैं अंदर की शेड की भी ना वीडियो बना के सेंड करता हूँ।